everyone. Welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Tuti Mahajan. So today I'm going to cover the topic Introduction to Accounting. Let's start. Before we proceed, please subscribe to our YouTube channel Education World EW. Let's start. Introduction to Accounting. Meaning of accounting. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? Accounting is the art of recording. Transactions को हम इसमें क्या करेंगे? Record करने वाले. Classifying. Transactions को record करने के बाद हम उसको classify करेंगे. एंड समराइजिंग, देन उसको क्लासिफिकेशन जो हमने की उसका नेक्स्ट स्टेप समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, वो मॉनेटरी वैल्यू में ही होगी, एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थereof. और लास्ट में हमें उसका जो रिजल्ट है वो इंटरप्रेट करना होगा, एनालिसिस उसका देना होगा. अब यही जो हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा, इसके अंदर जो हमने फोकस दिया, जिस वर्ड के ऊपर मैंने फोकस दिया, आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, तो नेक्स्ट आप देखोगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग उसके अंदर भी यही पॉइंट्स आने वाले हैं. इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेते हो, आई एम डैम श्योर कि आपको बुक पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी. और इसको मैंने उसी लेवल से बनाया है कि जिस वे से आपके एग्जाम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या आया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. इसके अंदर हमने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो हमने दो वर्ड्स यूज किए, आर्ट एंड साइंस. अच्छा, आर्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें अपने स्किल्स, प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है कि किस तरह से हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से उसको क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ताकि हम उसका रिजल्ट जो है इंटरप्रेट कर पाए. साइंस क्यों है? साइंस का मीनिंग क्या है? जिसमें वेल प्लान्ड स्टैंडर्ड्स हैं आपके. तो अकाउंटिंग के अंदर क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आईएएस हैं, तो जिसको अप्लाई करके आपको वैल्यू करना है, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. कोई भी अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन आप करोगे तो उसके मॉनेटरी वैल्यू को ही आप रिकॉर्ड करने वाले हो. लेट अस सपोज एक्स वाई जेड ने परचेज किया फर्नीचर 1 लाख रुपीज का. तो आप उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन, अगर आपका वो फर्नीचर जो है वो आपका एसेट है या आपके इन्वेंट्री है, वो डिपेंड करेगा कि आप फर्नीचर में डील कर रही हो या किसी और गुड्स में डील कर रही हो, तो वो आपका आगे का कंसेप्ट है. तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करने वाले हो? ₹1 लाख. तो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही आप रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, अगेन वही पॉइंट कि जो भी वैल्यू का आपने रिकॉर्ड करना है उसकी मॉनेटरी वैल्यू लगा के ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे. क्लासिफाइंग, अब हमने बोल दिया कि जो भी अकाउंटिंग है वो क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अब एक दिन में या एक मंथ में या एक साल के अंदर आपने लेट अस सपोज 100 ट्रांजैक्शंस कर ली, ठीक है? आपने क्या किया? परचेज किया, सेल किया, एक बंदे से 10 ट्रांजेक्शन कर लिए, एक से 5 की, एक से 1 की, उसे परचेज किया, उसको पेमेंट भी की, पेमेंट कैश में की, पेमेंट बैंक के थ्रू की, कई सारे नेचर है. अब आपने वो सारा लिख लिया, अब आपने एक पेपर के ऊपर लिख कर रख लिया, उसका क्या यूज है? कुछ भी नहीं. आप वहां से जब तक उस चीज को क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके लिए यूजलेस है. तो क्लासिफाइंग इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स लेजर अकाउंट्स. तो इसके अंदर क्या आ गया कि हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे लेजर अकाउंट्स में. अभी मैंने क्या बोला? एक बंदे से हमने क्या किया? परचेज किया, सेल किया, जिसे परचेज किया उसको पेमेंट की, कैश के थ्रू पेमेंट की, बैंक के थ्रू पेमेंट की, तो उतने हमारे लेजर अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे. परचेज अकाउंट ओपन हो गया,
डेटर क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन हो गए, सेल्स अकाउंट ओपन हो गया, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जर्नल अकाउंट, इस तरह से हमारे ये सारे के सारे लेजर अकाउंट वो ओपन हो जाएंगे। देन समराइजिंग, अब हमने लेजर अकाउंट तो प्रिपेयर कर लिया, अब उसका क्या यूज है, उसको हम समराइज करेंगे। समराइजिंग मीन्स उसका हम ट्रायल बैलेंस टीबी बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, टीबी। ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन ट्रायल बैलेंस से पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड बैलेंस शीट बनेगी आपके। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, अभी हमने क्या बोला, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट बनाई। जब हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया, P&L account means profit and loss account. जब हमने P&L account बनाया, तो वहां से हमने interpret कर लिया कि हमारी जो organization है, वो profit में है या loss में है. And communicating. अब हमने results को interpret तो कर लिया, and communicating means ये सारा काम किसने किया? एक accountant ने किया, जो भी बंदा accounts maintain कर रहा है, इधर वो chartered accountant है, या वो accountant है, या वो खुद कर रहा है। तो जिसने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया, उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये रिजल्ट्स हमें एंड यूजर को कम्युनिकेट करनी है। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी उनको पता लगेगा, ओनर को, मैनेजमेंट को तभी पता लगेगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है, मीन्स प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉसेस में है। अब सेम वे में हमने यहाँ पे वर्ड्स कौन कौन से यूज किए, लेट्स सी। आर्ट एंड साइंस के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। तो आप कट शॉर्ट रखो, क्लासिफाइंग मीन्स लेजर अकाउंट, समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल अकाउंटेंट, बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेशन पी एंड एल का जो प्रॉफिट और लॉस आया, और कम्युनिकेटिंग वही रिजल्ट कम्युनिकेटिंग टू द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट से मैंने बनाया। ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जर्नल, लेजर, लेजर मीन्स क्लासिफाइंग आ गया आपका, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपकी समराइजिंग आ गई। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो अब हमने अकाउंटिंग तो कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेजर अकाउंट उसके बना लिए, हमने पी एंड एल अकाउंट बना लिया, उसका बैलेंस शीट बना ली। अब क्या करना क्या है, इसको बना के हमने रख दिया, क्या करना क्या है, तो इंटरप्रेट करना है हमने रिजल्ट। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हमने वहां पे करैक्टरिस्टिक क्या बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उसका रिकॉर्ड हम सिस्टमैटिक रख पाए। ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, वहां में हमने क्या बोला, समराइजिंग, करेक्टरिस्टिक के अंदर हमने क्या बोला, समराइजिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या आ गया, टू कैलकुलेट पी एंड एल, ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कि हमारा जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देखोगे आपको बनाना सिखाया जाएगा कि पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया, नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। To know the exact reasons leading to net profit or net loss. अब हमने ये तो बोल दिया, हमने calculate कर लिया कि profit आया या loss आया, ठीक है, उसके reasons क्या है? That means उधर हमने क्या पढ़ा था? Interpretation. To interpret the results. तो वो आपका objectives में क्या आ गया? To know the exact reasons leading to net profit or net loss. To ascertain the financial position of the business. Financial position में आपका क्या आ गया? Again summarizing वाला. Summarizing में हमने क्या किया था? P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों को मिला के आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती है। P&L अकाउंट से आपको पता चलेगा कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में या लॉस में है, और बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, नेटवर्थ क्या है, आपके पास फिक्स्ड एसेट कितने हैं, वो सारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी बैलेंस शीट से असर्टेन होती है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, अब हमने क्या किया, मेक इट इन माइंड कि जो हमारा काउंटिंग ईयर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है, डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 31st मार्च, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो हमारी बुक्स क्लोज होती हैं वो होती हैं 31st मार्च को।
अब हमने क्या किया, एक रनिंग बिजनेस है, उसकी हर साल पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट उसकी बन रही है। तो लेट अस सपोज ईयर वन का बना, ईयर टू का बना, ईयर थ्री का बना, तो आप तीनों का कंपैरिजन कर सकते हो ग्राफिकली, कि आप ग्राफ से पता चल जाएगा कि आपका लेट अस सपोज उसका लास्ट प्रॉफिट था 1 लाख, देन उसको हो गया 1,50,000, देन उसको हो गया 1,60,000, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उसने उसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, परसेंटेज में कितना उसका इंक्रीज हो रहा है, अगर उसका डिक्रीज हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है, अगर उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसके रीजंस क्या है, ताकि हम वो ऑप्ट करके और ज्यादा अपना बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर पाए। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अब अभी तक हमने बात क्या की, अकाउंटिंग की जो बात कर रही है, अब अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हमने कोई एरर या कोई फ्रॉड हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के बाद हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, कि ताकि जो हमारे बिजनेस के अंदर कोई एरर या फ्रॉड्स आ रहे हैं उसको हम डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर पाए। एंड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, तो इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन, तो ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ओनर को या मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है और उसके रीजंस क्या है, अगर वो लॉस में है तो उसको आप प्रॉफिट में कैसे लेके आ सकते हो, और अगर आपका यूनिट प्रॉफिट में है तो उसका प्रॉफिट और इंक्रीज कैसे कर सकते हो। देन ये तो हमने फंडामेंटल स्टेप्स देखे सारे अकाउंटिंग के, ठीक है, तो अकाउंटिंग इस तरह से आप लोगों ने देखना है, अगर आप देखोगे अपना आई थिंक जो भी आपका स्टार्टिंग है उसके अंदर अकाउंटिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स आप इस तरह से कोरिलेट करोगे तो आप इजिली उसको लर्न कर पाओगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया, ऑब्जेक्टिव को साथ साथ में उधर से करवा दिया आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, तो सेम वे से आप उसको लर्न करोगे तो आप बहुत इजीली इसको कवर कर जाओगे। देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग कौन कौन सी टाइप्स की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, प्लस वन प्लस टू के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो डेट इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसका पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट उसके मेंटेन करनी है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, डेट इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन सेकेंड वन अकाउंटिंग क्या है, पोस्ट अकाउंटिंग। पोस्ट अकाउंटिंग क्या है, पोस्ट से ही आपको पता चल रहा है, पोस्ट पर यूनिट किसी भी चीज की पोस्ट निकालनी, लेट अस सपोज हम पेन यूज कर दें, ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसने ये पेन बनाया है उसने बना तो लिया, उसने सारा कुछ कर दिया, पी एंड एल अकाउंट तक आपको कंपनी का प्रॉफिट पता चल गया कि आपकी कंपनी का ये प्रॉफिट आया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, पोस्ट अकाउंटिंग मेनली यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर क्या किया जाता है, अब आपको टोटल प्रॉफिट तो पता चल गया, एक साल के अंदर आपने एक्स वाई जेड ये प्रॉफिट अर्न किया, अब आपको जानना, मैनेजमेंट कहती है कि मुझे ये जानना है कि मेरे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई की जाती है, जिसके अंदर सारी कॉस्ट उसकी ली जाती है, तो उसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि पर यूनिट कॉस्ट, लेट अस सपोज अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन मैन्युफैक्चर किया है तो इस एक पेन की कॉस्ट क्या बैठी है, तो कॉस्ट पर यूनिट वहां पर आपकी निकाली जाती है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है ये, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है ये, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है। देन नेक्स्ट वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द नेम सुजेस्ट, अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने अभी क्या पढ़ा कि हमने जो भी पी एंड एल आया उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना, वो मैनेजमेंट को बताना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके आगे का स्टेप है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग जिसके थ्रू हम प्लानिंग करते हैं नए प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए, कि हम अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका क्या आउटकम आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, कितना हमारा वहां पे ब्लॉकिंग पीरियड रहेगा, कितनी देर के बाद हमें पे बैक आना शुरू होगा, तो वो सारी हमारी जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजेक्शन जो कि हम लोगों ने की है,
ठीक है, जो हमने परचेज सेल जो भी ट्रांजेक्शन हमने जिस भी नेचर की किया उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। पोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने पोस्टिंग निकालनी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि अगर हमारा आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो फ्यूचर में हम कहाँ तक जा सकते हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर की हुई है, इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप इसमें पोस्ट कर सकते हो। From tomorrow onwards, Navjot ma'am and Kajal ma'am, they are going to take your classes. So stay tuned to our YouTube channel Education World to cover your topic. Thank you.